वेलकम एवरूवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हेयर और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कोडिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन कैसे कर सकते हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोडिंग में करियर बनाना है और आई टी में करियर बनाना है इस वजह से वो कोडिंग सीखना चाहते हैं बट जब आप कोडिंग करने बैठते हो तो इतना बोरिंग सा लगता है मजा नहीं आता है फन नहीं होता है तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि उसको और फन कैसे बना सकते हैं और मजेदार कैसे बना सकते हैं गाइज बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू चेकआउट द फ्री मास्टर क्लास ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन नाइनटी डेज एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन तो कैसे जब हम फन की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे कोडिंग को मजेदार बनाया मैंने कैसे कोडिंग को फन बनाया और मैंने कैसे अप्रोच किया कोडिंग को और वही चीजें आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है तो देखिए दो तरह के जनरली लोग होते हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं एक वो होते हैं जो ये देखते हैं कि आई में बहुत पैसा है बहुत स्कोप है इस वजह से वो कोडिंग सीखना चाहते हैं दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको मजा आता है कोडिंग करने में इंटरेस्टिंग लगता है कोडिंग करना इस वजह से वो कोडिंग सीखते हैं तो जो सेकंड तरह के लोग होते हैं उनके लिए कोडिंग सीखना आसान होता है क्योंकि वो कोडिंग सीखने के लिए मजे के लिए कोडिंग सीखना चाहते हैं दैट्स इट्स ईजी फॉर देम ऑन दी अदर हैंड जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं जिनको करियर बनाना होता है आई में वो कोई भी गलत ड्राइविंग फोर्स नहीं है वो भी अच्छी बात है कि आप उसमें करियर बनाना चाहते हो पैसा कमाना चाहते हो बट जब आप कोडिंग करने जाते हो तो वो बोरिंग सा लगता है और फन नहीं लगता है तो मैंने जब कोडिंग करना स्टार्ट किया था वो सेकंड रीजन की वजह से किया था कि मुझे मजा आता था मुझे फन लगता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इनिशियल डेज में मैंने सबसे पहले जो चीज सीखी थी दैट वॉज पी मुझे प्रॉपरली एच तक नहीं आता था सीएसएस तो दूर की बात है मुझे प्रॉपर एच भी नहीं आता था मैंने डायरेक्टली पीएचपी सीखना स्टार्ट किया था और PHP सीखना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत सारी मेरे को पता चला था कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप डायनेमिक बना सकते हो PHP से तो Facebook उस टाइम पे जब Facebook बहुत पॉपुलर था मैंने मूवी देखी थी द सोशल नेटवर्क मैं वहां से बहुत इंप्रेस हुआ था कि यार ऐसा कुछ भी करना पॉसिबल है और ऐसा सब कुछ हो सकता है दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड लर्निंग पीएचपी और जब मैं पीएचपी सीख रहा था इट वॉज सो मच फन कि मैं डेटा यहां से डालता हूँ वो डेटा कहीं डेटा में सेव हो जाता है फिर मैं उसको वापस से एक्सेस कर सकता हूं मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ अलग अलग फॉर्म में दिखा सकता हूँ तो वो

एचपी में भी होता था बट पीएचपी में इतना ज्यादा नहीं दिखता था बहुत सारी जो चीजें थी वो बिहाइंड द सीन्स होती थी आपको एंड रिजल्ट जरूर दिखाई देता था बट सीएसएस में ये जो एक्टिविटी थी रिजल्ट्स दिखने वाली वो टेनेक्स थी बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता था जब आप कुछ भी क्रिएट करते थे तो मैं फ्रंट एंड में डीप गया मैंने एच सीखा सीएसएस डीप में सीखा रिस्पॉन्सिवली लेआउट सीखी उसके बाद फिर मैंने जावा सीखना शुरू किया जावा सीखना जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि जावा से और भी आप चीजें कर सकते हो तो मेरा यह कहना है कि मेरी जो पूरी जर्नी रही

तो आप कोई ऐसा एरिया चूज करो जहां पे आपको मजा आए या जहां पे आपका इंटरेस्ट हो तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप की कोई बोल रहा है कि इसमें ज्यादा पैसा है तो आप उस वजह से उसमें जा रहे हो या इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मेरा शुरू से वेबसाइट्स बनाने में इंटरेस्ट था दैट्स आई गॉट वेब डेवलपमेंट तो आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको मोबाइल ऐप्स बनाना है तो वो एरिया आपके लिए अच्छा हो सकता है आपका uh, वेबसाइट्स बनाना हो सकता है वेबसाइट्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है बैकहेंड आपका इंटरेस्ट हो सकता है फ्रंट एंड तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है अगर आप सेकंड कैटेगरी में है जिसको कोडिंग करने में मजा आता है तो तो कोई टेंशन नहीं है तो आपको मजा आएगा ही आएगा बट अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो कि सर मुझे आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाना है अच्छा पैसा कमाना है बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं उस स्टेज में मैं आपको बोलूंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए उस एरिया में जहां पे आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो अब मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में कैसा होगा क्या होगा और मेरा इंटरेस्ट यह है तो मुझे नॉलेज होना चाहिए नहीं आप बस ये देखो कि आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग क्या लगता है तो जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे ज्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगती थी वेबसाइट क्योंकि मैं इंटरनेट को बहुत यूज करता था बैक इन टू थाउजेंड नाइन बहुत यूज कहने का मतलब है कि साइबर कैफे वाले दिन थे वो उस टाइम पे ऐसा एक्सेस नहीं था कि आप अपने मोबाइल पे मोबाइल डेटा से आप फुल टाइम कंप्यूटर पर चला रहे हो तो आई यूज़ टू विजिट साइबर कैफेज और वहां पे मैं वेबसाइट्स देखता था कि अरे गूगल है जी है ऑर्कूट करके एक वेबसाइट होती थी जैसा आज के टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक है उस टाइम पे परट हुआ करता था दैट वाज़ अ सोशल मीडिया नेटवर्क उसके बाद मैंने यूट्यूब को देखा उसके बाद मैंने फेसबुक को देखा सो आई गॉट सो फैसिनेटेड कि ये चीजें कैसे बनती है इनको कैसे बनाया जाता वो क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो आप भी देखिए कि आपके मन में क्या ऐसी क्यूरियोसिटी है जो आपको इस बात पे लेकर जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत कुछ हो सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकता है Artificial intelligence सकता है, there are so many things. और अगर आप कंप्लीटली क्लूलेस है कि आपको क्या करना है वो पता ही नहीं है तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सभी चीजें थोड़ी थोड़ी ट्राई करके दिखे द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ वैब डेवलपमेंट आप वहां से स्टार्ट करके दिखे फिर आप एप uh, डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं सो गाइज एक ही तरीका है कोडिंग को फन बनाने का एंड दैट इज कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप फॉलो करें उसके बाद कुछ और चीजें हैं एक्साम्पल के लिए आप कौन सा टैक्स सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं आपका इंटरेस्ट कम है बट फिर भी आप वेब डेवलपमेंट में चले गए और अगर आप बैकएंड में जाते तो बैकएंड में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्रंट एंड में जाते हैं, तो फ्रंट एंड आपके लिए ज्यादा आसान और ज्यादा मजेदार हो और भी मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं बट दिस इज द मेन थिंग इफ यू वॉन्ट टू मेक कोडिंग फन फाइंड आउट योर इंटरेस्ट नंबर वन थिंग उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सिर्फ लैंग्वेज मत सीखो आप कुछ ना कुछ उससे क्रिएट करो क्योंकि इंसानों को मजा जब आता है जब आप कुछ लिखते हो कुछ कोड लिखते हो वो कोड कुछ करता है ठीक है तो एग्जांपल के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो आपने कोड लिखा और वो वेबसाइट आपको दिख रही है आप उसको लाइव कर सकते हो आप उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो दैट्स वेब डेवलपमेंट इज सुपर इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वाई रिकमेंड टू एवरी न्यू न्यू और uh, जो बिगिनर्स होते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट के साथ जाओ सो गाइज दिस इज हाउ यू कैन मेक कोडिंग इंटरेस्टिंग एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज लाइक like करो बहुत हेल्प मिलती है अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो बुरी लगी हो उस चीज़ को कॉमेंट करो और इफ़ यू हैव नॉट चेक आउट द फ्री मास्टर क्लास यू चेक आउट द फ्री मास्टर क्लास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई गोन ए सी यू गायस इन नेक्स्ट वीडियो बाय